स्वामी श्री चक्रधर जी के द्वारा बताए गए उन दृष्टांतों का चिंतन करेंगे जिसमें भगवान बताते हैं कि जब इस जीवात्मा को मैं ज्ञान देता हूं, इसको शास्त्र का निरूपण करता हूं, इसे बार बार समझाने का प्रयत्न करता हूं, परंतु ये ज्ञान को संभाल नहीं पाता, उसको गवा देता है। कारण ये जीवात्मा इस हीरे के समान जो ज्ञान है उसकी कीमत को नहीं पहचान पाता। जैसे एक छोटी सी कथा है, कहते एक बार एक संत जी किसी के घर में जाते हैं। जाने के बाद उस घर का जो मालिक होता है वो उन संत जी की बड़ी सेवा करता है, उनको इतना संतुष्ट करता है कि वो ऐसा समझते कि आज जीवन में मुझे किसी ने प्रसन्न किया होगा तो ये व्यक्ति है। तो वो जाते समय उसे एक पारस दे जाते हैं और कहते हैं, बेटा मैं 6 महीने के बाद आऊंगा और इसे वापिस ले जाऊंगा, तूने इससे जितना उपयोग लेना है तू ले ले, जितना तुम्हें सोना बनाना है बना ले, परंतु कहते हैं ना, जिसके भाग्य में कुछ लिखा ही नहीं वो जितना भी प्रयत्न कर ले नहीं मिल सकता। तो वो क्या विचार करता है कि मैं बाजार में जाऊंगा और ढेर सारा लोहा खरीद के लेकर आऊंगा। तो जब वह बाजार में जाता है तो उस समय लोहे की कीमत को जब दुकानदार से पूछता है कि आज लोहे की कितनी कीमत है, तो उसे ऐसा लगता है कि अभी लोहा बहुत महंगा है, अभी कुछ दिनों के बाद खरीद लूंगा। तो ऐसे करते करते फिर जब 2 महीने के बाद उसी होलसेल मार्केट में लोहा खरीदने के लिए जब जाता है तो उस समय लोहे का जो भाव है 4 गुना हो जाता है। वो फिर पछताता है कि अगर मैं उस समय लोहा खरीद लेता तो अच्छा होता। फिर उसके बाद जब लोहा खरीदने जाता है तो लोहा बाजार में आना बंद ही हो जाता है। तो ऐसे करते करते जब 6 महीने हो जाते हैं तो संत जी फिर उसके घर में आते हैं और वह मन में क्या सोचते हैं, उसने बड़ा सा सोने का महल बनाया होगा, परंतु जब आने के बाद देखते हैं ये तो फिर वैसा ही रहा, गरीब का गरीब ही रहा, दुर्भाग्य का दुर्भाग्य ही। कहते संस्कृत में एक श्लोक है, भाग्य हीनस्य, जो भाग्य से हीन होते हैं ना वो कितना भी प्रयत्न कर ले, कितनी भी कोशिशें कर ले, परंतु वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। वैसे ही भगवान कहते हैं कि हम इस जीवात्मा को ज्ञान प्रत्येक सृष्टि में देते आ रहे हैं, प्रत्येक सृष्टि में से समझाते आ रहे हैं कि इस ज्ञान के अनुसार तू आचरण कर ले, परंतु ये जीवात्मा इस ज्ञान को, इस ज्ञान की कीमत को ना समझकर इसे गवा बैठता है। इसलिए भगवान एक दृष्टांत के द्वारा समझाने का प्रयास कर रहे हैं। इस दृष्टांत का नाम है टाइफाइड, सन्निपात है नाम का एक बुखार, जिसे हम आजकल की भाषा में
टाइफाइड कह सकते हैं। तो ऐसे दुख से पीड़ित व्यक्ति का दृष्टांत भगवान हमें समझाने का प्रयास कर रहे हैं। कहते हैं जब भगवान का निवास पैठन इस नगरी में था, तो एक बार सुबह का पूजा अवसर होने के बाद भगवान विहरण के लिए फिरने के लिए बाहर जाते हैं। साथ में भगवान के प्रभु प्रेमी भक्त देवता भी होती है। तो भगवान एक जगह आसनस्थ बैठे हुए हैं, तो सामने से एक छरदोबा नाम का एक व्यक्ति जा रहा है। उसकी उस समय स्थिति कैसी है, भगवान ने सूत्र में बताया है कि हाथ में उसके बकरी है और एक जो बगल है उसमें एक बच्चा पकड़ा हुआ है। ऊपर जो बच्चे के जिसको हम कहते हैं जो उसका झूला होता है, झूले में एक बच्चे को सिर के ऊपर लिया हुआ है। ऐसी स्थिति में वो जा रहा है। भगवान भक्त जनता को कहते हैं आप जानते हो